तो फाइनली भाई इसका जो नंबर प्लेट है वो आ चुकी है, और जो अपना नंबर है जो हमने चॉइस नंबर बुक किया था वो अभी आपके सामने है। बाकी भाई प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, रियर से इसका लुक चेक कर सकते हैं नंबर प्लेट लगने के बाद आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। भाई अभी आपके सामने है हीरो की रिसेंटली लॉन्च स्टीम मॉडल 5R, जिसे हमने लगभग 1.5 महीने पहले परचेज किया हुआ था, और इसका भाई हमने चॉइस नंबर बुक किया हुआ था जो कि अभी के टाइम पे आ चुका है। आज हम चलते हैं सर्विस सेंटर पे, इसकी पहली सर्विस है, उसी के साथ में मैं आपको चेक कराने वाला हूँ कौन सा नंबर हमने बुक किया हुआ था और कौन सा नंबर जो है हमने अपनी बाइक पे इंस्टॉल कराया है। सारी चीज़ों बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं किस तरह से आप भी चॉइस नंबर बुक करा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उसके रिलेटेड हम एक बार डिटेल वीडियोज़ बना देंगे। बाकी चलते हैं भाई, अभी हम इसको इंस्टॉल कराते हैं। इसका जो है नंबर प्लेट, जो इसका चॉइस नंबर प्लेट है वो आ चुकी है, और बाकी अगर बात करते हैं भाई इसकी कितनी किलोमीटर अभी टोटल रनिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 649 किलोमीटर टोटल अभी टाइम पे रनिंग है, और फर्स्ट सर्विस इसकी आ चुकी है, और इसकी वार्निंग जो है वो भी आ चुकी है। इसकी सर्विस की डिटेल वीडियो अपने चैनल पे आ चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और आई बटन पे भी ऊपर लिंक आ रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ हमने डिटेल में बात किया है कि फर्स्ट सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसी के साथ में कितनी सर्विस कॉस्ट आती है, उसी के साथ में भाई यहाँ पे जो है आपने मीटर के अंदर जो इसकी वार्निंग लाइट आती है कैसे उसको ऑफ कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में बात किया हुआ है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे इसकी नंबर प्लेट को इंस्टॉल कराते हैं। तो फाइनली भाई इसका जो नंबर प्लेट है वो आ चुकी है, और जो अपना नंबर है जो हमने चॉइस नंबर बुक किया था वो अभी आपके सामने है 9353, जो कि अपनी फोर व्हीलर का नंबर है, और यही नंबर हमने फोर व्हीलर पर भी अपने है 9353, और यही चॉइस नंबर हमने बुक किया हुआ था इसके लिए भी, क्योंकि सेम नंबर से रहेगा थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो बाकी अभी आपके सामने है, भैया पूरी फिटिंग करने वाले हैं, इसका जो रैकेट बोलते हैं या फिर कुछ लोग इसकी बॉर्डर लाइन बोलते हैं वो भी अभी इंस्टॉल कराने वाले हैं इसके अंदर हम, प्लास्टिक के जो कवर होती है पीछे से। और नंबर की बात करते हैं भाई, तो यूपी 72 जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, उसका कोड है, और BZ सीरीज चल रही है अभी यहाँ की, और 9353 जो कि हमने बुक किया हुआ था चॉइस नंबर। फाइनली भाई इसकी जो रैकेट है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, कवर जिसे बोलते हैं। और कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ आपके सामने शो हो रही होगी फ्रंट वाली जो है, इसको हम यहाँ पे स्क्रू भी टाइट करवा रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है जब इसको हेड ओपन कराना होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसको हम स्क्रू पे सेट करवा रहे हैं। बाकी पीछे वाली जो है वो इसी क्लैंप पे सेट होगी। बाकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं भाई लगने के बाद कैसा लुक आता है इसका। कुछ लोग इसके जो है जो इसका नंबर प्लेट है उसको नीचे इंस्टॉल कराते हैं टायर के पास में, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ से लगवाना चाहते हैं तो एक स्टैंड टाइप का आता है इसका नंबर प्लेट का, वो लग के यहाँ पे लग जाता है। बाकी भाई प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है UP72 BZ 93 53। वैसा पीछे का सपोर्ट जो है वैसा हम टाइट है क्या, हल्का सा इसका पीछे का जो स्क्रू है भाई, इस पर स्टैंड इसका लगा होता है, सभी लूज था तो दोबारा से ओपन करके भैया को टाइट करवा देते हैं। तो फाइनली भाई इसके अंदर का जो दोनों स्क्रू हैं वो दोबारा प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर ये प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं रहता भाई, इसमें प्ले भी काफ़ी ज़्यादा रहता और थोड़ा सा लूज़ भी था, थोड़ा क्या ज़्यादा लूज़ था यहाँ पे। यही फ़ायदा भाई जैसे यहाँ पे फ्रंट में जो है स्क्रू भी टाइट कराने यही फ़ायदा होता, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके इसमें आप यहाँ पे ओपन करा के जो है दोबारा से उसे टाइट वगैरह करा सकते हैं। और हेड रहता है तो हेड में कभी कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मीटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये यूनिट इसकी ओपन होती है, जब ओपन करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टाइट भी है, ये जो प्ले पहले था वो प्ले अब नहीं है यहाँ पे। और लुक एक बार आप फ्रंट से चेक ही कर सकते हैं, फ्रेम के साथ लगने में यही फायदा होता है भाई, थोड़ा सा लुक जो है वो थोड़ा कहीं कहीं इन्हेंस हो जाता है। बाकी रियर जो है उसका भी आपको मैं यहाँ पे लुक चुका देता हूँ अभी लगने के बाद। और पीछे वाली जो नंबर प्लेट है उसको हम पूरा रैपिड पे ही टाइट करवाएंगे, स्क्रू पे ही टाइट करवाएंगे, क्योंकि आगे जो है वो आगे ओपन हो गए चांसेस रहते हैं, तो पीछे ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो इसको हम यहाँ पर रैपिड पे ही पूरा फिक्स करवा देंगे। और अब इसका नंबर प्लेट इंस्टॉल होने के बाद इसका लुक चेक कर सकते हैं अभी जो है भैया, इसको पंच कर देंगे प्रॉपर तरीके से, हो जाएगा ये टाइट, एक साइड का टाइट हो चुका है और दूसरी साइड का भी, दोनों साइड पंच हो गया। और यहाँ पे इसमें कोई प्ले नहीं है बीच में। और रियर से इसका लुक चेक कर सकते हैं नंबर प्लेट लगने के बाद आप, और फ्रंट से भी एक बार चेक करा दे रहा हूँ मैं आपको,
बाकी किस तरह से आप चॉइस नंबर अपनी बुक कर सकते हैं अगर आप इसको जानना चाहते हैं, इसकी डिटेल वीडियो आप बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो यहाँ बना दूंगा। बाकी ये तो कुछ वीडियो भाई इसके नंबर प्लेट की, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं और स्ट्रीम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।